YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड में नवरात्र के पावन अवसर पर श्री सतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है। बुधवार को बंधुआ गांव में आयोजन समिति की बैठक कर महायज्ञ की सफलता को लेकर सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा ग्रामीणों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से तय कर ली गई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि काशी वाले श्री 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 1008 महंत श्री रामेश्वरदास महाराज के सानिध्य में महायज्ञ सम्पन्न होगा। विस्तार पूर्वक रूपरेखा की जानकारी देते हुए महायज्ञ कमेटी अध्यक्ष रामनाथ पांडे ने 10 अक्टूबर को आयोजित कलश यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं से पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करने का अनुरोध किया है। कहा, कलश यात्रा काराकाट बंधुआ स्थित पहाड़ी बाबा के प्रांगण से शाहपुर कोयल तट के लिए सुबह 7 बजे प्रस्थान करेगी। सचिव शशिभूषण पांडे व चंद्रशेखर पांडे ने भी भावी कार्यक्रमों की जानकारी दी। कहा कि अगले ही दिन गुरुवार 11 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह के 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक हवन एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ तथा रात्रिकालीन प्रवचन कार्यक्रम होंगे। मिली जानकारी के अनुसार दूसरे समुदाय के लोगों से आपत्ति मिलने पर प्रशासन द्वारा आयोजन स्थल पर धारा 144 व कुछ लोगों के विरुद्ध धारा 107 के तहत मामला दर्ज करते हुए किसी भी अनुष्ठान के आयोजन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। इस पर महायज्ञ कमेटी संरक्षक भोलानाथ पांडे ने कहा कि महायज्ञ इसी पहाड़ी क्षेत्र में संपन्न किया जाएगा, इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहा, उक्त स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए प्रयास होने की बातें बिना सिर पैर वाली बातें हैं। यह भूमि हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, जहां धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन पूर्व से ही होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। अड़चन आ रही है कि जब ये लोग भूमि पूजन करने गए कमेटी के लोग, वहां पर कुछ लफुए किस्म के इंसान जो दूसरे गांव के हैं और अकलियत समुदाय के हैं, उन लोगों ने आके कहा कि यहाँ जगह हम नहीं होने देंगे। आपका जब कुछ अधिकार ही नहीं बनता तो वहाँ आप कैसे जगह रोकेंगे हमारा? और प्रशासन जो है इसको वहाँ जग करवाने के बजाय उल्टा हवा दे रही है कि हम इसकी जांच कर रही हैं, वहाँ मंदिर निर्माण नहीं होगा। SDO से आप पूछ सकते हैं कि जब वहाँ पर मंदिर निर्माण की बात कहीं किसी ने नहीं कही, तो आप 107 और 44 के नोटिस में मान्यवर कैसे लिखा कि मंदिर निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उस पर 144 और 107 का हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं? मैं मांग करता हूं प्रशासन से, मैं अकलियत समुदाय के लोगों से भी वार्ता करने को हमारे सभी विकल्प खुले हैं। उनके जो सदर सेक्रेटरी हैं वो हमारे साथ बैठ के वार्ता करें, उनको जग करने में जो कठिनाई आ रही है उनका समाधान हम करेंगे। और नहीं तो अपने अगर समाज के लफुए लोगों के कहने पर जग नहीं होगा, उनका मांग बेकार है। प्रशासन के लाख चाहने के बावजूद भी जग का कार्य नहीं रुकेगा, हिंदू की आस्था का सवाल है, इसलिए निश्चित समय पर जग होगा। हमारे वार्ता के सभी विकल्प खुले हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी मुझे वार्ता के लिए बुलाएं या मान लीजिए अकलियत के जो पदधारी लोग हैं। आज की बैठक में मुख्य निर्णय क्या लिया गया? आज के बैठक में मुख्य निर्णय यही लिया गया कि जग तो वहाँ होगा ही। कुछ लोग श्रमदान में जो टाइमली नहीं पहुंच पा रहे थे सुबह सामग्री जुटाने में, उन लोगों को आगाह किया गया कि आप लोग से भाई निवेदन है कि आप लोग सब कुछ जमा होकर के और इस पूर्ण कार्य में अपना अपना श्रमदान दे। तो होता है, नॉर्मल रूप से हो रहा है, इसको तूल दिया जा रहा है, फालतू का ना है, इसमें कहीं किसी प्रकार का नहीं था। असामाजिक तत्व को रोकना सरकार का ना काम है, पदाधिकारी स्थानीय पदाधिकारी का काम है। और उल्टे 44 अब 107 का कोई निराधार है, कोई आधार नहीं बनता है 44 लागू करने का, न वहाँ शांति है न कुछ है। हिंदू समाज के आस्था का सवाल है, सब कोई जान रहा है, पूरे प्रचार हुआ है, इसमें कहाँ कोई ये है कि आपको किया जा रहा है। केवल असामाजिक तत्व को रोके, कहाँ जग का नहीं है। आज निर्णय क्या लिया गया बैठक में? जो आज निर्णय वही लिया गया जो शुरू से है कि जग होगा और शांतिपूर्वक होगा, सौहार्दपूर्ण होगा, और वह पहाड़ी क्षेत्र में होगा जहाँ देवस्थल है। नवरात्र के शुभ अवसर पर जग करना चाह रहे हैं जो काराकाट बंधुआ के प्रांगण में पहाड़ी बाबा हैं वहीं पर। लेकिन जब हम पहाड़ी बाबा के पास सदियों से हम लोग जो हैं वहाँ पर शिव जी के पूजा करने जाते हैं,
लोग आते जाते रहता है। सावन महीना में विशेषकर उस स्थल पर जग हेतु जब पूजा अर्चना किए तो मुस्लिम समुदाय जाकर उसे हटा दिया और 10-20 आदमी गंदगी भी किया, पेशाब किया। इसके बाद उन लोग प्रशासन के पास चले गए। वहाँ से प्रशासन के द्वारा सूचना मिलने के बाद लोग मिलने गए उपायुक्त महोदय के पास। कुछ आदमी को बुलाकर हुआ कि हमें एक सप्ताह का टाइम दिया जाए। उस एक सप्ताह के अंतराल में ही प्रशासन द्वारा कुछ नामित व्यक्तियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसी हालत में लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम लोग के जग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।